तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं J&K हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक बड़ी पदों पर भर्ती निकाली गई हाई कोर्ट में, तो उसी का आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, HC यानी कि हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से यहां पे वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया है। जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए पद पर इसमें वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया दोस्तों, स्टेप पोस्ट पर निकाली गई। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं वैकेंसी 283 पोस्ट पर निकाली गई दोस्तों, जिसका आवेदन फॉर्म 2 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है और 1 अक्टूबर 2024 तक चलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आवेदन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। जम्मू एंड कश्मीर का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर के लिए रहने वाली दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया गया। जूनियर असिस्टेंट के लिए 207 वैकेंसी है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 71 पद है, वहीं सिस्टम ऑफिसर के लिए 1 पद है, वहीं सिस्टम असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। और भी यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन दिया गया दोस्तों, इससे रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दिया गया दोस्तों, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। आगे यहाँ पे देखिए, एज लिमिट के बारे में जानकारी दिया गया, जो मिनिमम आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका एज यहाँ पे 40 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। एप्लीकेशन फी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट 500 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पे सैलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया, पोस्ट वाइज आपको सैलरी का डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। आगे यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया, जो रिटर्न एग्जाम इसमें होगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे, तो आप वीडियो तक बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा दोस्तों। अगर आप इस साइट के माध्यम से पहले किसी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन में यूजर नेम यहाँ पे डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा दोस्तों, और कैप्चर फिल कर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अगर आप न्यू कैंडिडेट है, पहली बार इस साइट के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं, तो आपको सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करना होगा। तो सिंपली रजिस्ट्रेशन हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम मांगा जा रहा है। तो सिंपली आप अपना यूजर नेम यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यूजर नेम मिनिमम 6 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए, उसके बाद ईमेल आईडी डालना होगा और मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद कैप्चर फिल करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा दोस्तों। सिंपली ओटीपी को यहाँ पे डालना होगा और फिर कैप्चर फिल करना होगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट बनाना होगा दोस्तों, जिसमें यहाँ पर किलोअर की स्पेशल कैरेक्टर कोई फंक्शनल की होनी चाहिए। मजबूत पासपोर्ट यहाँ पे बनाना होगा दोस्तों, उसी पासपोर्ट को दोबारा यहाँ पे लिखिए, इस बॉक्स में यहाँ पे कंफर्म करना होगा पासपोर्ट को। तो सिंपली यहाँ पे दोबारा पासपोर्ट यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, पासपोर्ट का यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे पासपोर्ट बनाना होगा। मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं 8 कैप्चर के बीच में पासपोर्ट होनी चाहिए, 8 कैप्चर होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं पर कि यहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए, एक यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर एक होनी चाहिए, लोअर की होनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से आप यहाँ पे पासपोर्ट को बना सकते हैं। पासपोर्ट बनाने के बाद आपको सिंपली पासपोर्ट को टाइप करना है, तो यहाँ ऑप्शन हट जाएगा। अगर सही से पासपोर्ट टाइप कीजिएगा, उसी पासपोर्ट को दोबारा यहाँ पे डालना है और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्रिएट यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा दोस्तों। आपको यूजर नेम और दोबारा यहाँ पे फिर से पासपोर्ट डालकर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट किया जाएगा दोस्तों, जहाँ से आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल क्रिएट करना होगा दोस्तों। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे डालिए, अपना फर्स्ट नेम जो भी आपका नाम है यहाँ पे डालिए, उसके बाद
बाद सर नेम यहाँ पे डालना होगा दोस्तों, यानी कि लास्ट नेम डालिए। उसके बाद जेंडर आपको बताना होगा, मेल है फीमेल है। फुल नेम यहाँ पे डालना होगा इंग्लिश कैपिटल लेटर में, सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं, फुल देख सकते हैं। फादर नेम हस्बैंड नेम डालिए। उसके बाद मदर नेम डालिए। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालना है। मैरिड स्टेटस आप बताना होगा, मैरिड है अनमैरिड है, तो सिंपली आप बता सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का निवासी है यस कीजिए, उससे रिलेटेड जानकारी मांगा जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर दीजिए दोस्तों, यस करते हैं तो। और यहाँ पे देख सकते हैं और भी उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी मांगी, सर्टिफिकेट का इशू डेट, सर्टिफिकेट किस इशू द्वारा अथॉरिटी द्वारा जनरेट किया गया है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे डालने के लिए बोल जा रहा है। उसके बाद मदर टुगेदर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, जो भी आपके पास यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो यस कीजिए, उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी मांगा जाएगा, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा, तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे अगले स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल का डिटेल देना होगा, यानी कि हाइट यहाँ पे बताना होगा सेंटीमीटर में। उसके बाद यहाँ पे वेट बताना होगा, चेस्ट बताना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे बता सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे जानकारी मांगा जा रहा है, सिंपली स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मांगा जा रहा है, आप यहाँ पे हाइट चेस्ट सही से लिखिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक ही बार इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पे फिर अपडेट भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। सिंपली आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे रूम डोर वगैरह यहाँ पे हाउस नंबर डालना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग का नेम, तो जो भी एड्रेस मांगा जा रहा है दोस्तों, फुल एड्रेस आपको भरना होगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, तहसीला विलेज या सिटी का नाम डालिए, अपने एरिया का पिन कोड डालिए। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है दोनों, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक बॉक्स मिलता है दोस्तों सेम का, इस पर क्लिक कर यहाँ पे सेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके सामने यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, अगर आप एक सर्विस मैन इतिहास कीजिए, उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी मांगा जाएगा दोस्तों, नहीं है नो कर दीजिए, ऑप्शन हाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, यहाँ पे देख सकते हैं इतिहास कीजिए, उससे रिलेटेड जानकारी दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन इतिहास कीजिए, उससे रिलेटेड जानकारी दीजिए। और भी यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं दोस्तों, एडिशनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में जानकारी मांगा जा रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है तो आप यस कर सकते हैं, और यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। नहीं लागू होता है, सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर दीजिए, आप अपने अनुसार पढ़कर। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली अगले स्टेप में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जानकारी मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक एकदम हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक आप जानकारी दीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दसवीं का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए दसवीं, यहाँ पे सबसे पहले दसवीं, उसके बाद किस डिग्री सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, किस स्टेट से दसवीं पास की है यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किए हैं सेलेक्ट करना है, रिजल्ट टाइप बताना होगा, परसेंटेज है, सीजीपीए है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स बताना होगा दोस्तों, यहाँ पे कितने साल का था, एक वर्ष जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कोर्स का इशू डेट यहाँ पे बताना होगा, सिंपली आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली देख सकते हैं डे मंथ ईयर यहाँ पे एक एक कर चूज कर यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक एक कर आपको यहाँ पे खोज कर कैलेंडर से सेलेक्ट करना होगा, रिजल्ट टाइप बताना होगा, परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड जो भी है बताइए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उससे रिलेटेड जानकारी मांगा जाएगा, ऑप्टेंट मार्क, मैक्सिमम मार्क, परसेंटेज यहाँ पे क्लास फर्स्ट सेकेंड जो भी था यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क बताकर यहाँ पे ऐड करने होंगे दोस्तों। इसी प्रकार से एक एक कर सभी जानकारी को आपको ऐड करना होगा, दसवीं, बारहवीं, इंटरमीडिएट, जहाँ तक हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक ऐड कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार आप अगर अभी एलिजिबल नहीं है तो आपके सामने पोस्ट का डिटेल नहीं आएगा, तो इसीलिए एक एक कर सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड कर दीजिए दोस्तों, जो भी आपके पास है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक एक एक कर उसी प्रकार से ऐड करना होगा दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे ऐड करते जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस कर कर जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दीजिए, जहाँ भी आपके पास एक्सपीरियंस है जिसमें भी आप काम करते हैं दोस्तों, सिंपली यस कर दीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा तो सिंपली यहाँ पे साइज के अनुसार चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे साइज वगैरह मेंशन किया गया दोस्तों, उसी के रिलेटेड यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और यहाँ पे देख सकते हैं थंब इम्प्रेशन को आपको अपलोड कर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे अपलोड कीजिए और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अगले स्टेप में क्लिक करना होगा दोस्तों। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने अगले पेज खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप यहां से अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके हैं, आप कभी भी किसी भी पोस्ट के लिए आप आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जितने भी पोस्ट वैकेंसी का डिटेल शो किया जाएगा, अगर आप एलिजिबल है उसके लिए तो आपके सामने आप देख सकते हैं बगल में अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आप एलिजिबल है, आवेदन करना चाहते हैं तो आपके सामने आप देख सकते हैं बगल में अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे सभी पोस्ट का डिटेल शो किया जा रहा है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं सिंपली बगल में क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली क्लिक कीजिए, जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो अगर आप अप्लाई नहीं है तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट एलिजिबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर किसी पोस्ट के लिए आप आवेदन करने में एलिजिबल है तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट करना होगा, एग्जामिनेशन का सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। सिंपली यहाँ पे एग्जामिनेशन का आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा, कहाँ रखना चाहते हैं आप एग्जाम सेंटर, उसके बाद यहाँ पे प्लेस डालना होगा। उसके बाद सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपका एप्लीकेंट यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस एंड पैड बता रहा है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सिंपली पेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो सिंपली ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर गो कीजिए। जैसे ही गो कीजिएगा तो आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम का सहारा लेकर आप पेमेंट करना चाहते हैं आप बड़े ही आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, जिसे निकालकर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।